मेरा एक सवाल ये है कि हम लोग की जो जी यादें जी होती हैं, जी जी जो कभी बहुत अच्छी यादें आती हैं, कभी ऐसी जी वो होती हैं, यानी नापसंद यादें, लेकिन वो आती जरूर है। ये मतलब कि आपको अच्छी बुरी यादें ये हैं अच्छा अच्छी बुरी पुरान। यादें हैं, हाँ तो वो कहाँ है, उनका स्टोरेज कहाँ पे है, या कहाँ चली जाती है, कहाँ से आती है? वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं मेमोरी सेल्स, राइट। लेकिन मेमोरी सेल तो है, लेकिन मेमोरी सेल को इस काबिल कौन बनाता है? एक आदमी रात को सोता है, सुबह उठता है, क्लैप्स हो जाता है, या किसी वक्त भी क्लैप्स हो जाता है, लेकिन उसकी जो पास्ट मेमोरीज हैं वो तो सब अल्लाह के पास जा चुकी हैं। हर नमाज हमारे लिए इतनी बड़ी विजडम क्यों है? क्योंकि हर नमाज में हमें याद करते हैं कि हमारी किए का मालिक, मालिक यमुद्दीन। उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मालिक यमुद्दीन, हमारे किए का मालिक, क्योंकि अल्लाह की जात के पास जो हमारा पास्ट है वो पूरा प्रिजर्व है। तो हम उसकी तौबा कर लें, अपने गुनाहों को माफ करवा लें, क्योंकि जैसे हमारी सांस बंद होगी तो हमारा अमल नामा सीज हो जाएगा। इस पर काफिरों यकीन नहीं है, पर हमारा तो यकीन है ना, हेयर आफ्टर जवाब देने पर। जब भी बार बार हमारे नमाज में अपने आप को याद दिलाते हैं मालिक यौमिद्दीन, हमारे किए का मालिक, फिर अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कुरान में कि एक जर्रे के बराबर तुम्हारा अच्छा और बुरा अमल तुम्हें दिखाया जाएगा। फमैया अमन मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमैया अमन मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि जैसे सनबीम के अंदर ना एक जर्रा उड़ रहा है तो वो पार्टिकल भी हमें दिखाया जाएगा। तो वो अल्लाह सुबहान तआला की जात है जिसके पास ये पावर है। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला ने हमें नमाजें दी ताकि हम अपने गुनाहों की तौबा कर लें, अपने पास की तौबा कर लें।